ये कैंडल, वो जो कैंडल लाइट से प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्क जो इन द सोइल्स ऑफ द 7th सेंचुरी 2016, 2017 की बात है, ठीक है ना। वहाँ पे सत्ता जो डॉग वाली बात थी ना, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। कुत्ते ने कैसे सत्ता परिवर्तन किया, क्या क्या है इसी पूरे के पीछे, क्या स्टोरी, क्या कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं क्या होता है। ये देखो, ये हमारी पार्क है, जियोन पार्क है, जो जो साउथ कोरिया की जो प्रेजिडेंट थी, इनकी सी जिनपिंग है, जो इनकी फोटो 27 जून 2013 के साथ है। और जो हमारे जो पार्क जो मीटिंग हुई थी आशियांस में हुई थी, जो श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी हैं, जो पार्क है, जो पहले इसकी प्रेजिडेंट थी साउथ कोरिया की, इनके बारे में है स्टोरी। देखते हैं क्या, देखो और समझते हैं क्या क्या है, क्या है मैटर, और उम्मीद है समझ में आएगा आपको अच्छे से, वो समझने का वो करें इसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया एक्स प्रेजिडेंट पार्क द फ्री आफ्टर द 5 ईयर्स फ्रॉम इन द प्रिजन्स। अच्छा, क्या कारण है कि साउथ कोरिया की जो है साउथ कोरिया के राष्ट्रपति जो लगभग 5 साल बाद जेल से रिहाई हुई है। तो क्या देखते हैं क्या इसके पीछे, जो साउथ कोरिया का जो एक भारत का मित्र राष्ट्र है, फ्रेंड, जो क्योंकि इससे रिलेशन अच्छे हैं, जो हमारी सैमसंग, लोटे, एलजी कंपनी, जो बड़ी कंपनी यहाँ पे हैं, तो जब भी तो हैं वो, जब हमारे अच्छे से उनसे रिलेशन है। साउथ कोरिया एक बड़ी काम करती है, ठीक है ना, कंपनी, साउथ कोरिया की कंपनी जो विपक्ष जो नेता है ना, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो जो पार्क जो ये थी, ये पार्क उन्हें, इनका नाम था 2017 में भ्रष्टाचार के आरोप में बंद कर दिया गया था। 25 साल की सजा हुई इनको। सजा के बाद जो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति है, उन्होंने अपनी विशेष पावर का यूज करते हुए इन्हें 25 साल की सजा को 5 साल में कन्वर्ट करके इन्हें बाहर निकाल लिया। अब ये हॉस्पिटल में है अभी, और जैसे ही ठीक हो जाएंगे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, स्टील लीडर ऑफ द साउथ अफ्रीका एंड द बैटल ऑफ द रेडी, स्टील आयरन लेडी के नाम से, इस तरह से। जो 2014 का चुनाव हुआ था ना, तो राष्ट्रपति के पद पर बैठ कर जो प्रधान जो राष्ट्रपति का के रूप में बैठी, साउथ कोरिया का परचम रहलाया था, इतनी अच्छे से जीत प्राप्त की सब कुछ, और 2017 तक चला। ऐसा क्या हो गया एकदम से, ऐसा क्या चेंज हो गया, राष्ट्रपति के खिलाफ इनके लोग जो भड़क गए, जैसे भी मैंने पीछे पिक में दिखाया, और बोलने लगे कि ठीक है इनको हटाओ, ठीक है। 2017 में पार्क को गिरफ्तार, इन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, साउथ कोरिया संसद में इन पर महाभियोग चला गया, इम्पीचमेंट चला गया जो चलता है राष्ट्रपति पे, और कोर्ट ने इन्हें सजा दी 25 साल की, जो कन्वर्ट करके 5 साल में कन्वर्ट करके उनको निकाल दिया गया। अच्छा, कारण क्या था, कारण ये था, एक ये जो ये पार्क है राष्ट्रपति थी, ठीक है, इनकी एक फ्रेंड थी, ठीक है ना, चोइन सून सिल थी, जो इन पे कोई फ्रेंड थी, इनकी कोई इन पे कोई पद भी नहीं था, ठीक है ना। इन पे आरोप था कि अपने मित्र के साथ इन्होंने सीक्रेट फाइल शेयर की थी, सीक्रेट फाइल शेयर कर सके, एक फ्रेंड इतनी अच्छी मित्र थी कि जो ये भाषण देती थी ना, जो पार्क जो भाषण देती थी, तो उसके भी चोइन सिल जो सून सिल है ना, इसको यही एडिट करती थी। उसका पता 2017 में चला। ये देखो बराक ओबामा है, अब देखो इंपॉर्टेंस पता लगा सकते हो कितनी है इनकी, ठीक है ना, बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। ये रही चोइन सून सिल, और ये रही तुम्हारी पैंक, ठीक है, और ये रहे सी जिनपिंग, उनके साथ पीके इनकी। देखो अब 2017 की बात है, देखो समझते हैं क्या, जो पार्क के लिए सबसे दुर्भाग्य का समय था, क्या था, ये चोई सुन सिल का डॉग है ना, एक कुत्ता था, एक कुत्ता पाला हुआ था इनकी फ्रेंड ने, उसे बहुत प्यार करती थी, ठीक है, प्यार करने का मतलब है जो राष्ट्रपति, ठीक है ना। अब इनका एक फ्रेंड था, जो इनकी फ्रेंड थे, इनकी फ्रेंड का फ्रेंड, मैंने एक बॉयफ्रेंड बोल सकते हैं या हस्बैंड भी, लेकिन हस्बैंड का तो कोई ऐसा जिक्र दिया हुआ नहीं इसमें, ठीक है। तो उन्होंने कुत्ते को क्या करे, वो कुत्ते की देखभाल करते थे, ठीक है। अब जो एक दिन ये है ना चोंग सिल, ये जो इनकी फ्रेंड, ये गोल्फ खेलने चले गई, और इसको देख के आए तो देखा कि पप्पी है जो इनका कुत्ता जो चिल्ला रहा है। अब चिल्लाने पे उन्हें गुस्सा आ गया चोई सुन सिल को, अब गुस्से में उन्होंने बॉयफ्रेंड को जो फूटा और उल्टा सूदा उसे बोला उसने। अब बॉयफ्रेंड ने सोचा कि नहीं भाई, मेरी तो बहुत इंसल्ट कर दी इस लड़की ने, और जो ये कुत्ते के, वो भी एक कुत्ते के लिए, अब वो इस पे कुत्ते का इतनी डांट सुननी पड़ी। अब ये महाराज जो वहाँ से उठकर मीडिया के सामने चले गए, और मीडिया के सामने रात उनके एक ही रात में सारा चिट्ठा उन्होंने खोल दिया कि ठीक है पार्क के समय अपने पद से उन्हें गंवाना पड़ा पार्क को, उन अपनी जो फ्रेंड के साथ जो बॉयफ्रेंड के कारण। अब बॉयफ्रेंड के कारण, उन्हें कुत्ते के कारण, जो पार्क जो जेन यू ने पिता क्या थे इनके, एक जो साउथ कोरिया के 3rd नंबर के राष्ट्रपति थे, सैनिक सत्ता के कारण आए थे, 1979 में है ना, इनको सुरक्षा गार्ड ने गोली मार दी थी, इनकी माता भी जो भीड़ ने इनको, इनकी माता को भीड़ ने मार डाला था। 98 में इनको पॉलिटिक्स में लाने वाले चोई तुम मिन थे, जिनकी बेटी थी ये चोंग सुन सिल थी, ठीक है ना, ऐसे समझते हैं। देखो ये पिक्स है,
भी समझ सकते हैं हम जैसे। तो इससे समझ पता लगा कि कैसे इम्पोर्टेंस दिए, क्या क्या है पूरी कहानी। तो इनको सत्ता में लाने वाले येरे पार्क पांगचू, इनकी योंगचुन सुजो, इनके विवाह हुआ और इनकी बेटी हो गई है, ये बेटी हुई ठीक है, इनकी इनके मेंटर, ये एक तरह से गुरु मानो ठीक है, जो इनके फादर के फ्रेंड थे ये ठीक, इनकी एक फ्रेंड थी, इनकी इनकी बेटी है ये चोन सुई सुल ठीक है। अब इनका डाइवर्स हुआ, जो इनके ये बॉयफ्रेंड थे कुछ भी ठीक है। अब इसलिए जो इसे इसने कुत्ता पाला हुआ था, सारी जो मैटर जो कुत्ते पे इस तरह से है ये मैटर जो, उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि भाई ये कुत्ते ने जो सारी चिट्ठी, क्योंकि इसमें कुछ ये भी था, इसने सीक्रेट सीक्रेट ये भी थे कि जो इन्होंने जितने सैमसंग है लोटे कंपनी से, इनसे पैसे भी लिए हुए थे इस वक्त के इस राष्ट्रपति पे, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पे आरोप थे। अब ये वापस आ गई हैं ठीक है ना, वापस ने जो, तो लोग इन्हें बोल रहे हैं कि ठीक है भाई जो इनके किया था इन्होंने, इनकी किए की सज़ा मिल गई है, अब इन्हें ठीक है एक्सेप्ट करें। तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो ये प्रेजिडेंट यही हो।